এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। আপনাদের নিয়ে যাব ধর্মতলায়, শুনবো কি বলছেন দিলীপ ঘোষ। আর ইস কেসা কিষান বেচারা জো 5 রুপিয়া কিলো আলু বেচতা হ্যায়, জো আলু কা খেতি করতে হ্যায়, 5 রুপিয়া কিলো বেচা হ্যায়, আর উসি কো 50 রুপিয়া কিলো খরিদনা পড়া খানে কে লিয়ে আলু, ইয়ে হ্যায় হালত। আর ইস সাল ফির আলু কা জো বীজ হোতি হ্যায়, 100 রুপিয়া কিলো আলু খরিদ কে উন্হোনে খেতি কিয়া হ্যায়, ও বেচেঙ্গে 5 রুপিয়া। ক্যা হালত হ্যায়, किसान 5 रुपया किलो बेचेगा और 45 रुपया 50 रुपया खरीदेगा खाए खाने के लिए, और बीज 100 रुपया खरीदेगा। अभी धान की मौसम है, सरकार घोषणा कर दिया धान खरीदेंगे। यहाँ केंद्र सरकार ने 1800 रुपया प्रति क्विंटल धान का सहायक मूल्य दिया है, लेकिन यहाँ किसी किसान को नहीं मिला है। किसान को 1100-1200 रुपया मिलता है, और दलाल खरीद लेते हैं, वो जाके सरकार को बेचते हैं, 500-600 रुपया प्रति क्विंटल ले लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और किसान की बेचारा ठंडे में कपड़ा नहीं है शरीर में, गमछा पहन करके घूम रहा है। यह स्थिति है, सबकी सब प्रकार की लूट हो रहा है, श्रमिकों का शोषण हो रहा है, किसान का शोषण हो रहा है, युवाओं का, महिलाओं की, किसी की कोई ना काम है ना सुरक्षा है। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, जिले जिले में थाने थाने में महिलाओं के साथ बलात्कार हत्याएं हो रही है, एक रिपोर्ट नहीं लिखता है पुलिस। पुलिस का काम क्या है? बीजेपी को रैली रोकना। आज हमारे लड़के वहां खड़े थे चिंगड़ी घाटा में कि बाइक रैली करके आएंगे, पुलिस पीछे पड़ गया, आगे उनको बेले घाटा शुरू करना पड़ा। तो भाजपा के लिए रास्ता में उतरना कोई अनुमति नहीं है, और टीएमसी जहां चाहे जब चाहे खेला मेला लीला जुलूस सभा कहीं भी करते हैं रास्ता जाम करके। हम डायमंड हार्बर करने वाले थे, सबको मालूम था, और अचानक वहां डायस लगाकर टीएमसी लोगों को भाषण देना शुरू कर दिया, ईटा पत्थर मारने लगा। उनके लिए कोई कानून नहीं है, केवल कानून हमारे लिए है। पुलिस का एक ही काम है, बीजेपी को किसी प्रकार से रोको, बस। विरोधियों की कोई अधिकार नहीं है, सभा करने की अनुमति नहीं, जुलूस करने की अनुमति नहीं, चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, केस मारेगा पुलिस उठा के ले जाएगा, ये कौन सा तरीका है? ये कहां आ गए हम? लोकतंत्र का नाम मात्र नहीं है। पिछले 50 साल से लोकतंत्र नदारद रहा है, बंगाल के लोगों को मालूम नहीं है लोकतंत्र क्या होता है। इसलिए हमारी जो लड़ाई है, पहले यहाँ लोकतंत्र का स्थापित करना, लोग अपने इच्छा से पार्टी करे, रैली करे, राजनीति करे, चुनाव लड़े, चुनाव प्रचार करे, कोई नहीं हाथ दिखा सकता। बिहार में हो गया चुनाव, नीतीश बाबू चौथी बार चीफ मिनिस्टर बने, हमने घोषणा की थी कि हमारी जोड़ जीत जाएगा तो नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हमें उनसे डबल सीट मिली है, लेकिन जो जवान दिया था हमने, नीतीश बाबू को फिर चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन देखिए चुनाव कितना शांतिपूर्वक हुआ, एक ईंटा पत्थर तक नहीं चला, एक केस नहीं हुआ है। लेकिन बंगाल में जब चुनाव आता है लोगों को डर आता है, अभी पूछते हैं लोग, क्या दादा ठीक ठाक वोट डाल पाएंगे? क्यों ऐसा होता है? लोगों को क्यों चिंता होती है कि वोट डाल पाएंगे नहीं? यहाँ वोट लूट होती है, यहाँ रसन लूट होती है, अफगान की पैसा लूट होती है, और इज्जत भी लूट जाती है। ये राज है यहाँ की, सारा देश दुनिया में सबसे बड़ी लोकतंत्र हमारी देश है, हम बोलेंगे लोकतंत्र, लेकिन एक राज्य बंगाल है जहाँ लोकतंत्र नहीं है, इसीलिए बड़ाई करती है दीदी। इसलिए यहाँ लोकतंत्र स्थापित हो, लोग अपने इच्छा के अनुसार अपने प्रतिनिधि को वोट डालें, अपनी इच्छा की सरकार बनाए, इस प्रकार वातावरण बनना है। पर इस बार जो जिनको चिंता है कि वोट डाल पाएंगे नहीं, 5 साल पहले जब यहाँ कॉर्पोरेशन चुनाव हुआ था, क्या नाटक देखे थे हम लोगों ने? सुबह से लूटपाट हो गया, वोट देने नहीं दिया लोगों को, रिपोर्टर लोगों को पीटा गया, कैमरा तोड़ दिया गया, ये नौबत आती है। अब दीदी को मालूम हो गया पब्लिक आज उनकी बात सुनने वाली नहीं है, वोट होगा और बीजेपी जीतेगा, इसलिए वोट को रोक के रखे हैं। मैं आपको बता देता हूं, इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है अप्रैल मई में, इस बार की चुनाव आप देख लीजिए, 11 साल में जो चुनाव हुआ था उससे भी शांतिपूर्वक और शांति से चुनाव होगा, और हम करेंगे। आप घर से निकलिएगा, वोटर कार्ड लेकर लाइन में खड़ा रहिएगा, अपना वोट डाल के घर जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं रहेगा आपकी तरफ टेढ़े नजर से झांके। दिल्ली की पुलिस आएगी, सेंट्रल फोर्स रहेगी, हर एक व्यक्ति का चुनाव में वोट डालने का अधिकार हम दिएंगे, और शांतिपूर्ण वोट करेंगे, और दीदी को वहां से रिटायरमेंट करके कालीघाट में जरूर भेजेंगे। बंगाल को कंगाल करके छोड़ दिया है, ना नौकरी चाकरी है, ना शिक्षा है, ना चिकित्सा है, ना कानून व्यवस्था है, क्या है? जो बंगाल को भी देश को आईएएस आईपीएस देता था, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर देता था, साइंटिस्ट देता था, वो केवल लेबर सप्लाई कर रहा है, माइग्रेंट लेबर
40 लाख लोग कम से कम जाके दूसरे प्रदेश में वहां लेबर का काम कर रहे हैं। 25 लाख ऐसे लोग हैं जो सोने का काम करते हैं, हीरा का काम करते हैं, वो यहां से गए हैं दूसरे प्रदेश में जाके काम, गुजरात में, महाराष्ट्र में। कभी लोग यहां आते थे कमाने के लिए। यहां कई लोग हैं जिसे 3-4 पीढ़ी यहां रह रहे हैं, उनके पूर्वज आए थे नौकरी चाकरी व्यवसाय करने के लिए, आज उनके बच्चों को छोड़ के जाना पड़ रहा है। ऐसा बंगाल क्यों हो गया है? एगिए बांग्ला, एगिए बांग्ला। अरे किसे एगिए बांग्ला? खून धर्षण एगिए बांग्ला, काठमानी सिंडिकेट एगिए बांग्ला, लूटपाट एगिए बांग्ला, यही बांग्ला चाइना।